हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर सत्यमूर्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं हम आए हुए प्रयाग बजाज पे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं NS160 का वाइब्रेशन टेस्ट BS6 मॉडल का। तो काफी कमेंट्स आ रहा था इसका वाइब्रेशन टेस्ट का, तो आज हम इसका वाइब्रेशन टेस्ट लेके आ गया है। तो पहले मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि BS6 मॉडल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे BS6 का स्टिकरिंग भी किया हुआ है और फ्रंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए, आपको यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कैटलेटिक कन्वर्टर भी दिख रहा होगा, तो इसे ये प्रूफ हो जाता है कि ये BS6 मॉडल ही है। तो अब हम इसका वाइब्रेशन टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बाइक स्टार्ट हो गया है। तो इनिशियल में ये BS6 मॉडल है, तो आपको रेंज थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है, कार्बोरेटर से चेंज हो गए। तो अभी भी आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत कम वाइब्रेशन देखने को मिल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसका रेव को बढ़ाते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको वाइब्रेशंस पहले से ज्यादा देखने को मिलता है या पहले से कम देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको फुल डिटेल्स मिल जाए, और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि BS6 से इसका कम, BS4 से वाइब्रेशन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो चलिए अब हम इसका रेविंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5000 RPM तक एक जरा भी आपको इसमें वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। 6000 RPM तक भी वाइब्रेशंस नहीं है। 9000 RPM पे आपको इसमें हल्का वाइब्रेशंस देखने को मिलता है। तो इसे ये प्रूफ होता है कि 100 तक आपको इसमें वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर ये 100 क्रॉस करता है तो आपको माइनर साइज में वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। बट अगर VS4 से कंपेरिजन करते हैं तो टैंक पे काफी कम हो गया है वाइब्रेशंस। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये था फ्रेंड्स, काफी मतलब साइलेंट हो गया है बाइक और वाइब्रेशंस भी काफी कम हो गया है। तो अब हम टैंक पे इसको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैंक के कंपेरिजन में सीट पर देखते हैं तो काफी कम इनिशियल वाइब्रेशंस आपको देखने को मिल रहा है। तो हम रेविंग करते हैं तो पता चल जाएगा कि आपको सीट पे कितना वाइब्रेशंस देखने को मिलता है। काफी कम वाइब्रेशंस है 160 में। अगर BS4 मॉडल के हिसाब से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो टैंक पे भी और आपको सीट पे भी काफी कम वाइब्रेशन देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि इंजन काफी रिफाइन हो गया है इसका एज कम्पेयर टू BS4 मॉडल। तो हम फुटपेक्स पर आपको दिखाते हैं इसका वाइब्रेशन। फुटपेक्स पर आपको हम दिखाते हैं इसका वाइब्रेशन। तो यहाँ पे मुझे ग्लास को होल्ड कर रहा होगा क्योंकि इसका जो फुटपेक्स है वो काफी नैरो है। तो अब हम वाइब्रेशन आपको दिखाते हैं। तो रेव करिए थोड़ा। तो फुटपेक्स पर भी आपको कम काफी कम वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। अदर बाइक्स अभी तक जितने भी मैंने कंपैरिजन किया है, इससे पहले मैंने इसका पल्सर का 150 का भी किया है, तो उससे भी कम वाइब्रेशंस आपको 160 में देखने को मिलता है NS में, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसका वाइब्रेशन का, ये टेस्ट में पास हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स काफी कम वाइब्रेशन है NS160 BS6 मॉडल में। तो ये टेस्ट में ये पास होता है, तो काफी अच्छा है, इसका इंजन को रिफाइन कर दिया गया। अगर आप इसे लेना चाह रहे थे BS6 मॉडल को, तो वाइब्रेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इजिली इसके लिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी बाइक अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट किसका वाइब्रेशन टेस्ट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं कर दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ और स्पेशल थैंक्स टू प्रिया बजाज।